मैं अपने लिए जीना हाँ, मैं किसी लिए नहीं जीना है, मैं अपने लिए जीना। मैंने कह लगे जो मैं करना से कर लिया, हूँ जो तेरे तो हों कर ला। फैमिली फ्रेंड के कोलों पता लगा, उन्होंने दसिया इन्होंने कि भाई मैं डिवोर्स कर लिया, ये करके भी मैं बच्चे भी ले लिया, मैं घर भी ले लिया, मैं सारा कुछ ले लिया। कोई ये ना कहे कि उन्होंने कुड़ी का डिवोर्स हो गया, मेरे बाप का ना हो गया। मेरा मेरी शादी 1970 इंग्लैंड हुई सी। मेरे दो बच्चे सी उत्थे, दोनों बेटे आ। असी 1978 असी इतने कैलगरी आए कैनेडा, आ के असं इतने रहन लग पे। जिहड़ा लाइफ का स्ट्रगल सी, मेरा शादी तो दूसरे दिन तो शुरू हो गया सी। कोई नहीं सी रिस्पोंस नहीं सी गुड मैरिया, पर फिर भी मैं उन्होंने कैरी ऑन रखा कि मैनू लाइफ कट्टनी आ। क्योंकि उदों जिहड़ा अज तो 50 साल पहला टाइम सी वह वक्खरा टाइम सी। बस पेरेंट्स भी यही कहिंदे सी नहीं बेटा कोई गल इदां नहीं होनी चाहीदी। उहदे कारण फिर असी इत्थे इत्थे आण के भी मैनू पता नहीं लगा कि इन्होंने डिवोर्स कर लिया। अच्छा हाँ जी, क्योंकि मैं पढ़ी हुई नहीं सी हैगी। इन्होंने मॉर्गेज दी कह के पेपर मेरे तो साइन करा के तो डिवोर्स क्लीयर कर लिया। जदों मैनू पता लगा बाद विच कि किसी मेरे फैमिली फ्रेंड के कोलों पता लगा, उन्होंने दसिया इन्होंने कि भाई मैं डिवोर्स कर लिया, ये करके भी मैं बच्चे भी ले लिया, मैं घर भी ले लिया, मैं सारा कुछ ले लिया। कभी मेरा दिल करता मैं इन्हू कढ देवां घरों, कभी दिल करता भी चलो कोई नहीं कम कर दी, चेक लिया के दें, मैनू कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। जदों उन्होंने मैनू दसिया मैं इन्होंने शाम को पूछा, जिस वेले मैं पूछा मैं कह लगे जो मैं करना से कर लिया, हूँ जो तेरे तो होंगे कर ला। उस वेले मेरे को कोई चॉइस नहीं सी, कोई मेरा भैन भरा नहीं सी जिहदे नाल मैं गल शेयर करा। जिहड़े फैमिली फ्रेंड सी वो जिन्होंने दसिया सी उन्होंने दे नाल फिर मैं गल शेयर की, भाजी भी आए, आप भी आए, सारी गल करन दी कोशिश की पर नहीं मने। पर फिर भी मैं 86 तो ला के मैं 87 दे एंड तक उस घर दे विच रही। मैं किसी हो सारा कंप्रोमाइज हो जाए किसी तरह, हाँ। मेरे बच्चे रोज जाने हैं। वड्डा बेटा मेरा 17 साल का सी, छोटा बेटा मेरा 13 साल का सी। फिर भी नहीं, पर जदों कहने जो टाइम आना ना वो नहीं, हमेशा मैं एको चीज़ सोच रही सी कोई ये ना कहे कि उन्होंने कुड़ी का डिवोर्स हो गया, मेरे बाप का ना होगा। जो भी मेरी लाइफ है मैं अपनी लाइफ में कैरी कर, मैं कि जो मर्जी हो जाए मैं घर च रहना, ठीक है। पर नहीं, एक दिन ऐसा टाइम आ गया जिस दिन मैं पुलिस ने कॉल की, नेबर ने जिस वेले मैं मारते सके पुलिस ने कॉल की, नेबर ने पुलिस आए, पुलिस ने आई उन्होंने मैंने पूछा तो कितने जाना। बहुत फैमिली फ्रेंड्स मैं किसी को भी कह सकती सी, पर मैं ये सोचा कि मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं पाना। मैं शेल्टर के गई, शेल्टर के मैं 3 हफ्ते रही। उन्होंने मेरा मैंने बहुत सपोर्ट दी, मैंने खड़ी किया, मेरे लिए इंटरप्रेटर उन्होंने रखिया कि जरा गल करता सी अपनी लड़की सी वो भी बहुत चंगी सी। उन्होंने मैंने 3 हफ्ते तो बाद फिर मैनू एक थान रेंट पर लैके दिता किराए पर। वो ये सोचते सी कल्ली नहीं छड़नी है कि जे कल्ली हुई अपार्टमेंट के बच्चे तो कुछ भी कर सकती है। मैं इन्नी स्ट्रैस के बच्चे सी, हौली हौली हुंदा हुंदा जी मैं अपना आपनों उन्होंने जिन्हों के बच्चे आई, अज भाजी की तो डैथ हो गई उन्होंने, पर मैं फिर भी जो मतलब अपने आप बहुत स्ट्रोंोंग रखिया। उन्होंने मैंने यही कहना, मैं एक चीज़ सोच ली सी कि जदों मैं जाना आ मैं अपने लिए जीना हाँ, मैं किसी लिए नहीं जीना है, मैं अपने लिए जीना। मैंने बहुत सपोर्ट मिली उतों नाल शैल्टर चो। जदों मेरे उन्होंने मैं लोअर करके दिता, मैनू घर के बच्चों भी कोई खास चीज़ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला जो सगा, चलो जो मेरी किस्मत बच्चे सी ठीक सी। मैं $5 से काम करती सी, मैं वो $5 से काम करके अज मैं अपने घर के बैठी। बच्चे आ बच्चे उन्हें छोटा बेटा मेरा बहुत हुंदा सी, जिहड़ा वड्डा सी वह वड्डा सी, आउन लगा पर 2 साल बाद। अच्छा, पहला नहीं सी हुंदा, पहला नहीं सी, पहला नहीं सी हुंदा। छोटा मेरे को फ्राइडे हुंदा सीगा, मैं उन्हें फ्राइडे घर तो जाके लैके आउंदी सी, तो लिया के उन्हें मैं संडे शाम को उत्थे घर छड्डी आना दूर दे मोहे लागे जाके। वो मेरे ना बहुत क्लोज रहा। जो हूँ भी किसी मेरा वड्डा बेटा कह दिंदा ना मम्मी ये तेरा बेबी, मैं कहनी जो इन्हें देखा बेटी वो तो नहीं देखा, इन्हें बहुत कुछ देखा। इस करके फिर मैं अपने आप ने यही सोचा कि नहीं मना तू आप स्ट्रोंोंग हो। जेडे फैमिली फ्रेंड्स के सारे सारिया ने मैनू खड़ी किया कि आप स्ट्रोंोंग हो, नहीं तो तू इस तरह बीमार हो। मैं इन्नी स्ट्रैस में चल गई सी कि मैं आप नू पता नहीं लगता। जिस वेले मैं काम करती हूँ मैं मशीन पर बैठी ने ना,
मैं रोई जाना, मैं मुँह नहीं तो चकना मशीन तो कोई दिखूगा। ये चीज़ सानू बहुत वड्डी आ कि जेदे विच असी कहने कोई की कहूगा, हाँ जी लोग की कहणगे, असी अपनी लाइफ आप खराब कर लेनी। पर लोगों तो ना डरो, लोगों ने कुछ नहीं तुहाडे लई करना। मैं अज ये चीज़ कहनी जिदन मेरा ये होया सी, किसे लोग ने जेड़े लोगों लई मैं सोच रही कोई नहीं आया, किसी ने मैनूं पुछया, मैं अपनी जिंदगी आप शुरू की। उतों आण के फिर मैं अपना डिसाइड किया कि मैं हुण घर नहीं बहना, मैं कुछ करा। फिर मैं शैल्टर दे विच जिहड़ियां अपनियां बेटियां जांदियां सी, लेडीज जांदियां सी, मैं उन्हां दी हैल्प करन लई उह मैनूं फिर सद्दण लग पए। अच्छा जी, हैल्प करन ठीक। फिर मैं नर्सिंग होम दे विच जाणा शुरू कर दित्ता, जिहड़े अपने सियाणे बजुर्ग हुंदे आ हैगे आ, उहनां नूं खाण नूं जे पुछ लैणा तुसीं की खाणा आ। पर मैनूं इह चीज़ सी, मैनूं सकून मिलदा सी उत्थे जा, उहनां दे नाल गल करके। मेरे फादर दी डैथ हो गई सी जिस वेले उहनूं पता लग्गा सी मैं घर तों बाहर आ। हाँ, जो मैनू कोई कहता सी, किसी ने मैनू कहा जे तुहाडी सुलाह सफाई हो जाए, मैं कहा मेरा फादर नहीं वापस आना, हुण नहीं होनी, हुण नहीं करनी, मेरा फादर चल गया, मैं हुण नहीं जाना। मैं अपने पैरों ते इदां खड़ी होई कि मैं जिन्ना कमाउंदी सी मैं उहनूं आप बैठ के रखदी सीगी। अच्छा, कि इह कित्थे किन्ना वरतना, किहदे विच जाके मैं की कर सकदी हाँ इहदे विच। फैमिली फ्रेंड बहुत सीगे, सारे कहिंदे सी हैल्प करन नूं तैयार सी, पर मैं ये हैल्प पैसे की किसी तो लैनी नहीं चाहती।